वेलकम बैक दोस्तों, सोमनाथ फोटोग्राफी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ऑटो कलर करेक्शन कैसे करते हैं। 100 फोटो, 200 फोटो, 300 फोटो, इवन आप 1000 फोटो को भी एक साथ कलर करेक्शन कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना है, 1000 फोटो भी आप एक साथ कलर करेक्शन कर सकते हैं। तो वो कैसे करना होगा, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर लेना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा सॉफ्टवेयर आपको लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक फाइल आएगा, तो वो फाइल आपका लगभग 130 MB का फाइल है, ठीक है। इसको जब भी आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है और इसको मैं साइड में रख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर आपको मैजिक फोटो एडिटर मिल जाएगा। और इसके अंदर आपका यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो ट्यूटोरियल है, इसके अंदर ट्यूटोरियल भी आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ कलर करेक्शन नहीं होता है, बहुत सारा चीज होता है, जैसे एड कलर टू ब्लैक एंड व्हाइट, जो भी बहुत सारा चीज है इसमें, चेंजिंग बैकग्राउंड लेआउट, ठीक है, एड फोटो टेक्सचर, एड फोटो पेनोरामा, कोलाज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं, इंटरफेस देख सकते हैं, ठीक है, और पेंटिंग भी कर सकते हैं, इसमें ऑयल पेंटिंग भी होता है, ठीक है। इसका मेन चीज आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, कलर करेक्शन कैसे करते हैं, वही चीज मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जिसको भी ये लेना है, मैं उसको ये ट्यूटोरियल के साथ मैं ये सॉफ्टवेयर देने वाला हूँ, ठीक है। तो और इसको क्या करना होगा, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको इंस्टॉल भी नहीं करना है, ये आपका किसी भी कंप्यूटर में चलेगा, मल्टी यूजर है, ठीक है। इसको आप डबल क्लिक करके सिर्फ इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। जब भी आप डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इस तरह से आपका एक जो इंटरफेस दिखाई देगा, आपको सिंपली इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है, और इसको बड़ा कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ओपन बोल के लिखा है, तो इसके अंदर आप ओपन करेंगे तो आप फोटो वगैरह कुछ भी आप लेके आ सकते हैं इसको एडिटिंग करने के लिए, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को फोटो को एक साथ कलर करेक्शन कैसे करते हैं, वही चीज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और पहले आप इसका इंटरफेस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके अंदर है एडिट है, सिलेक्ट है, कलर है, फिल्टर है, इफेक्ट है, टूल्स है, ये सभी चीज के बारे में ट्यूटोरियल मैंने इसी फोल्डर के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। सभी ट्यूटोरियल आप देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे इस तरह इसको यूज करना है, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे होम में जाता हूँ। होम में जाने के बाद यहाँ पे देखिए बैच का एक ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो बैच कॉन्वर्ट भी कर सकते हैं, बैच क्रॉप भी कर सकते हैं, बैच रिसाइज भी कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस जगह पे डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक बैच एडिटर खुल के आ जाएगा, ओके। तो मान लीजिए आपका फोल्डर में, मैं आपको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना के रखा हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कुछ इस तरह से के इस तरीके का जो फोटो है ये आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके का फोटो है और कुछ इस तरीके का फोटो है, ठीक है। मैं सभी चीज आपको कलर करेक्शन करके अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं फिर से आप लोग दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे बैच है, पहले आप होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद यहाँ पे बैच लिखा हुआ है, इसको सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड फोल्डर में इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपका फोल्डर रखा हुआ है वो फोल्डर आपको चूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए के बोल के एक फोल्डर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जितना भी फोटो उस फोल्डर में रहेगा वो सभी चीज इसके अंदर दिखाई देगा, ओके फ्रेंड्स। तो फिर से आप एक एक काम कीजिएगा, फिर से नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर अटैच हो जाएगा। होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ऐड का बटन है, ठीक है। तो इसको क्लिक करेंगे, आपको पहले क्या करना होगा, ऑटो फिक्स करना है, ठीक है। तो फिर से आप इसको क्लिक कीजिए, ऑटो फिक्स, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऑटो फिक्स का अमाउंट आपको दिखाई देगा 100, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे इसको कम करके आपको 20% रखना है, ठीक है, 20% रखेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो इस तरह से आपका, अभी आपको छोटा इमेज है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर से आप ऐड में जाएंगे, एक फोटो का आप कलर करेक्शन पहले कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सभी चीज ऐड कर दूंगा तो एक फोटो कलर करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद मैं जब नेक्स्ट करूंगा सभी ऑटोमेटिकली कलर करेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट फोटो के लिए आपको फिर से मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे देखिए ऑटो लेवल है, इसको मैंने क्लिक कर लिया, क्लिक करके मैंने ओके कर दिया, तो ये यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है 100, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
इसको मैं कम करके 40 तक लेके आऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको और भी ज्यादा अच्छा चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा। मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ और ये ऑटोमेटिक ऑटो कलर ऑटो लेवल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद एड में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस है, ओके। तो ब्राइटनेस को क्लिक करके मैं ओके कर दूंगा और इसको कर दूंगा मैं 50%, ठीक है। 40% या 40-50% आप रखिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो देखिए ज्यादा लग रहा है, तो मुझे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो फिर से ये खुल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे देखिए सेटिंग में जाएंगे, जिसको भी आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके मतलब यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस है, इसको क्लिक करके मैं सेटिंग में जाऊंगा तो वही ऑप्शन आपका खुल के आ जाएगा। तो आपको सिंपली इसको थोड़ा सा कम कर लेना है, 32 कर लेना है और इसको ओके कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आपका दिखाई देगा, ओके। और यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, और बहुत सारी चीजें आपको कोई आवश्यकता नहीं है इसको करने का। तो आप सिंपली लास्ट वाला जो है इसमें शार्पनेस थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, इसको क्लिक करके ओके कर दीजिए और शार्पनेस कर दीजिए आप यहाँ पे 5%, ठीक है, 5 कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये आपका हो गया। होने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, नेक्स्ट करना होगा। तो नेक्स्ट करने के से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बढ़िया चीज, बैच स्क्रिप्ट यहाँ पे जो हम लोग दे दिया है, इसमें बैच में जाके कलर करेक्शन कर लेता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए सेव एज का बटन है, ये जो सेटिंग आप लोग अभी किए है, ठीक है, तो इसको मैं सेव भी करके रख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं सेव का बटन को क्लिक करूंगा और किसी भी जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर करेक्शन, कलर करेक्शन ये मेरा 01, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो डेस्कटॉप में मैंने इसको सेव कर लिया, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने अभी कैंसिल कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं किया, कैंसिल कर दिया। अभी आपको दिखाने के लिए मैंने कैंसिल किया। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे जाना है, फोल्डर चूज करना है और आप यहाँ पे जो भी आपका फोल्डर है आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ये वाला फोल्डर मुझे लेना है, इसको ले लिया और इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के साथ साथ ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर से आपको इस तरह से आपको ऐड करने का जरूरत नहीं है, एक बार आप सेव करके रख देंगे तो इसी टाइप का जितना भी फोटो है आप सेव करके रखेंगे तो आपको इसमें ज्यादा टाइम भी बचेगा और बहुत जल्दी काम हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, इसमें ओपन में क्लिक करना है और डेस्कटॉप में जाना है। जाने के बाद आपने जो यहाँ पे देखिए कलर करेक्शन मैंने 01 के नाम पे सेव करके रखा है, इसको क्लिक करना है और इसको ओपन कर देना है। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर लेना। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आउटपुट फाइल फॉर्मेट, ठीक है। आपका फाइल फॉर्मेट किस तरह से आपका फाइल फॉर्मेट रहेगा वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉन्वर्ट करने के लिए आपको दूसरा इमेज भी आप कॉन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे जेपेग इमेज ही ठीक ही है, तो ये चीज मैं इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आउटपुट फोल्डर कौन सा फोल्डर में आपका सेव होना चाहिए, तो यहाँ इसको क्लिक करके रखेंगे तो आपका फोटो रिप्लेस हो जाएगा और आपका ओरिजिनल फोटो गायब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये कभी मत कीजिएगा। यूज फोल्डर यहाँ पे क्लिक करके आपको फोल्डर का पैथ चूज करना है, कहाँ पे आपको सेव करके रखना है। तो मैं ब्राउज करूंगा, ब्राउज करने के बाद एग्जाम्पल में जाऊंगा और फाइनल का जो फोल्डर है इसको क्लिक करके मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए और इसका आप मजा दीजिए, आप कैसे आप ये मैजिक देखिए काम करेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन आपको एक एक करके फोटो रिटचिंग करने का मतलब कलर करेक्शन करने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से कलर करेक्शन कर सकते हैं, 1000 फोटो, 2000 फोटो, 10000 फोटो एक साथ, ठीक है। लेकिन आपको कलर करेक्शन करना है कैटेगरी वाइज, जैसे आप लोग कलर करेक्शन करेंगे हल्दी का फोटो हो गया वो एक साथ फोटो एक साथ में एक फोल्डर में रख दीजिए, जैसे दूल्हा दुल्हन का फोटो हो गया एक साथ रख दीजिए, जैसे पोर्ट्रेट फोटो हो गया एक साथ रख दीजिए, अलग अलग करके फोल्डर वाइज इसको सेव करके रखिए। उसके बाद आप कलर करेक्शन करेंगे तो आपका फोटो बहुत ही जल्दी कलर करेक्शन होगा और बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। एक ही फॉर्मेट में कलर करेक्शन हर फोटो को करेंगे तो अलग अलग डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपली हल्दी का फोटो अलग करना है और दूल्हा दुल्हन का जो शादी का फोटो है वो अलग करना है, जो और क्या बोलते हैं जो 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 बाहर का जो आउटडोर का जो फोटो है, प्री वेडिंग फोटो है, जो भी फोटो है, सब अलग अलग एक कैटेगरी वाइज में आपको फोल्डर में सेव करके रखना है। उसके बाद ही आपको ये चीज इस्तेमाल करना है, ओके। तो अच्छी तरह से समझ में आ चुका है आप लोगों को।
तो इस तरह से आप लोगों को यूज करना है। तो देखिए अभी फिलहाल होने वाला है, और रैम जितना ज्यादा फास्ट होगा उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो इसको जब भी आपका काम हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, आपको मिनिमाइज कर लेना है। और इसको जिस जहां पे मैंने फोल्डर पैथ दिया था, देखिए यहाँ पे फाइनल फोल्डर है, इसको मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, मैं फोटोशॉप आपका ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको जो ओरिजिनल वाला इमेज है और जो मैंने कलर करेक्शन किया है वो सभी इमेज आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये वाला फोटो, मान लीजिए ये वाला फोटो मैंने फोटोशॉप के अंदर डाल दिया। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से जाऊंगा, और जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये फोटो आ गया, और इसको फिर से जाएंगे, जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो ओरिजिनल वाला जो मेरा फोटो है इसको मैं यहाँ पे लेके आके रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये दोनों फोटो यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से आपका, देखिए आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से ये कलर करेक्शन करके दे दिया। ठीक है, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को कलर करेक्शन कर लेना है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला फोटो मैंने ये वाला फोटो यहाँ पे रखा है, ये ओरिजिनल वाला फोटो है, और अभी मैं आप लोगों को जो कलर करेक्शन करके मैंने रखा है वो वाला फोटो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो फाइनल फोल्डर के अंदर घुसा है। तो ये वाला फोटो तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये फोटो देखिए और ये फोटो देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को कलर करेक्शन करना है। इसका बैकग्राउंड का पीछे का बैकग्राउंड देखिए बहुत ही अच्छी तरह से विजिबल हो चुका है, और ये पूरी तरह से कलर करेक्शन करके दे दिया है। ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए कोलाज फोटो भी आप बना सकते हैं। इसमें ढेर सारा चीज है, मैं अभी इसमें दिखाना चाहूंगा तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा, मैं सिंपली इसका जो मेन पॉइंट है कलर करेक्शन वही मैं आप लोगों को दिखाने वाला था, इसलिए मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो और इसका प्राइस आपको देना है, बहुत ही कम प्राइस है, चीप प्राइस में मैं दे रहा हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, व्हाट्सअप मेरा ग्रुप है, और इसमें आकर ज्वाइन होकर आप मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं इसका प्राइस आपको बता दूंगा। ये मल्टी यूजर है, आप लोगों को एकदम चीप प्राइस में मैं देने वाला हूँ। ठीक है, इसके अंदर देखिए बहुत सारा ट्यूटोरियल दिया गया है, आपको इस ट्यूटोरियल का बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। ठीक है, इसके मदद से आप बहुत ही हेल्प ले सकते हो। इसको वीडियो आप एक एक करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा टूल किस काम में आता है। तो कलर करेक्शन कैसे करना है वो तो मैंने दिखाई दिया है, बाकी जो सारा चीज है आप इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। तो ये फाइल इसके साथ ही मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो इसका कंप्लीट आपका कितना जीबी आएगा, ये आपका जीबी में नहीं, ये आपका एमबी में आता है। ठीक है, ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे 130 एमबी का फाइल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। अगर जिसको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे नंबर शो हो रहा है। और डार्क मैजिक टोटल प्रो अगर एल्बम डिजाइन का जो सॉफ्टवेयर है वो भी अगर आपको चाहिए तो इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।